हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों? आज की जो वीडियो है काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई जिसमें आपको जो है गाड़ी सेल परचेज़ की वीडियो बनाई है, लेकिन आज की इस वीडियो में सारी ही कमर्शियल व्हीकल आपको मिलेगी। दूसरा, ये जो गाड़ी है सारी CNG के अंदर मिलेगी, कोई भी गाड़ी डीजल के अंदर नहीं है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ती गाड़ी रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको मॉडल बताऊँगा गाड़ी का, कितना कुछ एस्टिमेटेड प्राइस है यहाँ पर, और कंडीशन भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यानी कि कौन सी गाड़ी कितने रुपए में आपको मिलेगी, कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है। इसके अलावा अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप ट्रांसपोर्टर है और एक कमर्शियल व्हीकल आप सर्च कर रहे हैं, यानी कि आपको एक अच्छे बजट में अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से। अगर कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो डायरेक्ट आप ये जो परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, गाड़ी का मॉडल बताता हूँ और गाड़ी कितनी चली हुई है, सब कुछ मैं जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, महिंद्रा सुप्रो गाड़ी आपके सामने लगी हुई है जो कि CNG के अंदर है। DL नंबर में आपको गाड़ी मिलेगी। कंडीशन आप देखिए, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की। हालांकि ये जो गाड़ी है 2017 मॉडल है, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी है। काफ़ी मेंटेन वे में गाड़ी को रखा गया है, काफ़ी अच्छी है। साइड प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों, यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इस गाड़ी का रखा गया है, वो इस गाड़ी का आपको जो है 3 लाख के अंदर पिकअप वाले से मिलेगी। और बात कर लेते हैं रनिंग की, तो ये गाड़ी लगभग 40,000 किलोमीटर रन कर चुकी है। तो गाड़ी आपको कैसी लग रही है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और गाड़ी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा एक बार साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी की फिर से दिखा देता हूँ। तो गाड़ी आपको ऐसा नहीं लगेगा दोस्तों, गाड़ी पुरानी है, काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में, एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है अगर ये गाड़ी आप यहाँ से परचेज करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने लगी हुई है फोर सेल के लिए, ये है बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस। और इसके मॉडल की बात की जाए तो आप 2015 मॉडल है ये गाड़ी। कंडीशन में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, हालांकि नहीं लगेगी कि 2015 मॉडल है, इतनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं लगेगी। और रनिंग की बात कर ली जाए इस बुलेरो की, तो ये गाड़ी जो है ज़्यादा हम नहीं कह सकते, यानी कि इतने सालों में ज़्यादा चल चुकी है। सिर्फ 78,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने रन किया है। इसके अलावा पिकअप वाले पे कॉस्ट की बात की जाए यहाँ पर, तो इस गाड़ी की डिमांड 4,45,000 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, क्या ये गाड़ी 4,45,000 रुपये डिज़र्व करती है? गाड़ी आपको कैसी लग रही है, बिल्कुल मेरे को साथ साथ में आप बताते रहें। नेक्स्ट गाड़ी देखेंगे दोस्तों आप, ये भी जो है DL नंबर में, यानी कि यहाँ पर सारी गाड़ी DL में मिलेगी और सारी गाड़ी CNG में मिलेगी। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो ये भी आपको बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस मॉडल है दोस्तों इसका, महिंद्रा का। और इसके अलावा इसके मॉडल की बात की जाए तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा नई आपको मिलेगी, यानी कि 2016 मॉडल है। और इस गाड़ी की कंडीशन भी एक बार हम देख लेते हैं, साइड से गाड़ी की कंडीशन एक बार देख लेते हैं कैसी लग रही है 2016 मॉडल। गाड़ी की बात की जाए रनिंग की, तो 63,000 किलोमीटर यह जो मैक्सी ट्रक है रन कर चुका है। ये अंदर से कंडीशन है गाड़ी की, सीट वगैरह आप देख सकते हैं। और बात की जाए इसके रनिंग कॉस्ट की, यानी कि यहाँ पर कितनी कॉस्ट है दोस्तों पिकअप वाले के पास, तो इस गाड़ी की डिमांड यहाँ पर रखी गई है 4,75,000 रुपये, 2016 मॉडल। तो दोस्तों, नेक्स्ट गाड़ी आप देखेंगे फिर से आपके सामने लगी हुई है महिंद्रा बुलेरो मैक्सी ट्रक, जो कि CNG के अंदर है, DL नंबर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी नई कंडीशन के साथ ये गाड़ी खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी लग रही है, बिल्कुल आप इसे एक नई गाड़ी ही कह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं चली है। मॉडल की बात की जाए गाड़ी की, तो 2019 मॉडल आपको मिलेगी है। और इसके रनिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी आप कह सकते हैं कि गाड़ी जो है ठीक से रमा भी नहीं हुआ, सिर्फ 30,000 किलोमीटर ही ये गाड़ी चली अभी तक। तो इस गाड़ी कंडीशन आपने देख लिया दोस्तों, मैंने आपको बताया सिर्फ 30,000 किलोमीटर ये गाड़ी ने रन किया है। और यहाँ पर जो गाड़ी की डिमांड की जा रही है 6,80,000 रुपये में महिंद्रा मैक्सी ट्रक आपको मिल रही है। दूसरा, आप ट्रांसपोर्ट अड्डा के थ्रू आते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसा सर ने हमें बताया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप यहाँ से कार लेने आए, यानी कि पिकअप खरीदने आए, तो ट्रांसपोर्ट अड्डा को आप एक बार ज़रूर मेंशन करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बुलेरो मैक्सी ट्रक मिलेगी। और इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं,
यानी कि सारी नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी आपको मिलेगी, कोई भी गाड़ी आपको एक्सीडेंटल यहाँ पर नहीं मिलेगी। मॉडल की बात की जाए तो 2017 मॉडल है ये भी, और काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ ये गाड़ी रखी गई है यहाँ पर। इसके अलावा ये गाड़ी भी ज़्यादा रन नहीं किया इसने, सिर्फ सिर्फ 63,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने रन किया है। और यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी 5,20,000 रुपये में एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है पिकअप वाले से। तो दोस्तों ये 2017 मॉडल थी और 5,20,000 रुपये में ये महिंद्रा की मैक्सी ट्रक आपको मिल रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो आपके सामने लगी हुई है ये महिंद्रा बुलेरो पिकअप गाड़ी लगी हुई है आपके सामने। और मॉडल की बात की जाए तो 2013 मॉडल है ये। ये गाड़ी 90,000 किलोमीटर रन कर चुकी है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की, तो पिकअप वाले के पास इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दोस्तों 3,90,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल रही है। ये महिंद्रा पिकअप दोस्तों 3,90,000 रुपये में 2013 मॉडल है, डायरेक्ट यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। क्या ये गाड़ी डिजर्व करती है इतना प्राइस, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो महिंद्रा बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ये लगी हुई है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। और एक बार गाड़ी कंडीशन आप देख लीजिए, फ्रंट प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की कैसी लग रही है गाड़ी। ये गाड़ी आपको एक नई कंडीशन में मिलेगी, अच्छी कंडीशन के साथ गाड़ी मिलेगी, 2020 मॉडल है गाड़ी का। और रनिंग की बात की जाए तो महिंद्रा बुलेरो ये मैक्सी ट्रक जो है, ये मैक्सी ट्रक दोस्तों लगभग 73,000 किलोमीटर रन कर चुका है। इसी के साथ साथ पिकअप वाले पे इसका जो दाम है 7,00,000 रुपए रखा गया है, तो 7,00,000 रुपए में एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने जो है कमर्शियल व्हीकल ये है टाटा एस। टाटा एस की अगर बात की जाए तो टाटा एस भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो ये भी दोस्तों सीएनजी में आपको मिलेगा, डीएल नंबर के साथ आपको मिलेगा। कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वे में यहाँ पे रखा गया है। और मॉडल की बात की जाए तो इसके 2016 मॉडल है दोस्तों ये, लगभग 60,000 किलोमीटर ये टाटा एस रन कर चुका है। और बात की जाए इसके दाम की यहाँ पर पिकअप वाले के पास, तो ये टाटा एस आपको 3,10,000 रुपये यहाँ पर डिमांड रखी गई है। बाकी वो कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट अड्डा के थ्रू कोई भी इनसे गाड़ी परचेज़ करने आता है तो उसको जो एक स्पेशल डिस्काउंट बिल्कुल ऑफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया टाटा एस, महिंद्रा बुलेरो मैक्सी ट्रक, महिंद्रा पिकअप और जो जो कमर्शियल व्हीकल है यहाँ पर, यानी कि महिंद्रा सुप्रो। मैंने आपको जो है सारी गाड़ी कवर करने की कोशिश की है। इनमें से कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई, आपको कौन सी गाड़ी ऐसा लगे दोस्तों कि ये जो गाड़ी है इतना प्राइस डिजर्व कर रही है और आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी यहाँ पर पसंद आती है तो डायरेक्ट आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इनके पास पहुँचना चाहते हैं या फिर इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इनकी एड्रेस डिटेल व फिर कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।